गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आई एस पॉइंट। होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग इस वीडियो में देख पा रहे हैं, अस्थमा एक्ट आखिर क्या होता है। अस्थमा एक्ट आपको पता है, करंट में न्यूज़ आई है कि यूपी में 6 महीने के लिए अस्थमा एक्ट लागू कर दिया गया है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अस्थमा एक्ट आखिर क्या होता है, बहुत ही अच्छा कानून है, जानने में भी अच्छा लगेगा, आपको वीडियो को एंड तक देखना है। आपको पता है यूपी में 6 महीने के लिए अस्थमा एक्ट लागू कर दिया गया है, जिसके बाद सरकारी कर्मचारी हड़ताल पे नहीं जा सकेंगे। लोक सेवाएं हैं, निगम से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग हड़ताल पे बिल्कुल भी नहीं जा सकेंगे, क्योंकि अस्थमा एक्ट लागू कर दिया गया है 6 महीने के लिए। आपको पता है ये लागू क्या है, अपर मुख्य सचिव हैं आपके मुकुल सिंघल जी, तो उन्होंने इसका आदेश जारी किया है। इससे पहले भी अस्थमा एक्ट काफ़ी जगह लगाया जा चुका है। लाइक अगर बताया जाए आपको, 1 मंथ पहले कर्नाटक में लगा था, ठीक है, कर्नाटका में लगा था आपका अस्थमा एक्ट। और अस्थमा एक्ट में क्या हुआ था कि कर्नाटक सरकार ने जब अस्थमा एक्ट लगाया था, क्योंकि हड़ताल पर बैठे कुछ कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी, तो उन लोगों के ऊपर अस्थमा एक्ट लागू कर दिया गया था, जिससे कि वो लोग हड़ताल नहीं करें। और अस्थमा एक्ट इससे भी बहुत बार लगाया जा चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है और लगाना ज़रूरी भी है। और आज जो कंडीशन चल रही है, तो उसमें तो हमारी इंडिया में देखिए लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अस्थमा एक्ट क्यों ज़रूरी है, क्या होता है, आइए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सो अस्थमा आखिर होता क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है अस्थमा एक्ट एक कानून है, जिसको 1958 में लाया गया था। इस कानून का जो पूरा नाम होता है, जैसे कि अस्थमा, अस्थमा की फुल फॉर्म क्या होती है, एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट। ओके, आपको पता है कि जब भी किसी भी चीज़ पे अगर अस्थमा एक्ट लगा दिया जाए, तो उस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो हड़ताल पे नहीं जा सकेंगे। अगर चले गए तो बिना आपके वारंट के, बिना आपके FIR के, उन लोगों को क्या कर दिया जाएगा, उन लोगों को जेल में भेज दिया जाएगा, और जेल में उनको 6 मंथ की वहाँ पे सज़ा काटनी होगी, और कुछ आपको इसका वो भी देना पड़ सकता है आपसे, जैसे कि आप बोलते हैं कि नहीं वारंट नहीं है, या फिर बिना FIR के आप लोगों को। अस्थमा एक्ट में क्या होगा, अगर आप लोग हड़ताल पे जाते हैं तो आपको क्या होगा, आपको सज़ा मिलेगी 6 महीने की इस एक्ट में। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आपको पता है ये अस्थमा एक्ट ज़रूरी क्यों है, आखिर सरकार इसको लगाती क्यों है। आपको पता है ये टाइम जो चल रही, कंडीशन जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, और ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, उन लोगों की हम लोगों को बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होंगे तो लोगों की जान कौन बचाएगा। तो इसीलिए जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, टाइम से सैलरी ना मिलने या फिर ठीक से पेमेंट ना करने पर अस्थमा ये क्या करते हैं, हड़ताल पर चले जाते हैं, अपनी नौकरी को छोड़ के, मतलब छुट्टियों पे जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये गलत है, कानूनन अपराध है ये, ठीक है। तो इसीलिए अस्थमा एक्ट को लगाया जाता है। अभी जल्दी में ही क्या हुआ था गोरखपुर में, कि कुछ डॉक्टर थे, उन्होंने पूरा पेमेंट ना देने पे वो हड़ताल पे बैठ गए, और उन्होंने क्या किया, उस बच्चे का इलाज नहीं किया, जैसे कि ऑक्सीजन की सप्लाई पे रोक लगा दी, और उस तरीके से बिना ऑक्सीजन के लिए काफ़ी बच्चों की डेथ हो गई थी। तो इस टाइम पे अस्थमा एक्ट बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, ठीक है। आई होप आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ऐसे ही होता है कि छुट्टी पे बैठ जाते हैं वो लोग, और इस टाइम पे अस्थमा एक्ट बहुत ज़्यादा वर्क करता है। सरकार क्यों लगाती होगी अस्थमा एक्ट, आपको पता है, चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं। सरकार अस्थमा एक्ट लगाने का फैसला इसीलिए करती है, क्योंकि हड़ताल की वजह से लोगों के लिए जो भी आवश्यक सेवाएं होती हैं उन पे बुरा असर पड़ने की आशंका रहती है। तो इससे क्या होगा कि जबकि आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण कानून, मतलब जो अस्थमा एक्ट है, वह कानून आपका अनिवार्य सेवा को बनाए रखने के लिए बनाया गया है, और वो उसी को बनाए रखने के लिए लागू किया जाता है। ये आप पे आपको काफ़ी अच्छे से समझना है। इसके तहत जितनी भी आपकी जो भी सेवा है, जिस भी सेवा पे अस्थमा एक्ट लगाया जाता है, उससे संबंधित जो भी कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे नहीं जा सकेंगे, अन्यथा अगर वो जाते हैं तो उन्हें 6 महीने की सज़ा हो सकती है। ये आपका अस्थमा एक्ट है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके GS Paper 2 के लिए, इसीलिए आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। और ये कब लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, कितने टाइम की इसमें सज़ा हो सकती है,
इसको आप लोग काफ़ी अच्छे से इस वीडियो में जान गए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।